तो देखो हमने पिछले एपिसोड नंबर 6 में हमने क्या देख लिया था, हमने एपिसोड नंबर 6 में ये देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। एग्जांपल एक या दो एग्जांपल ले लेता हूं, जो नहीं देखा है एपिसोड नंबर 6 सबसे पहले एपिसोड नंबर 6 देखो, आज हम सिखाएंगे आपको एपिसोड नंबर 7। बस 6 का एक छोटा सा रिवीजन कर देता हूं मैं। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसका मतलब क्या होता है, बीते हुए कल में अगर कोई भी काम हो चुका है, जैसे कि पापा बैंक जा चुके थे, है ना, बीते हुए कल में मतलब ये बीत चुका है, ये पापा कहाँ जा चुके थे, बैंक जा चुके थे, तो क्या बोलोगे आप पापा को इंग्लिश में, हम बोलेंगे डैड। के बाद से फॉर्मूला बताया था आपको मैं, फॉर्मूला जिसको पता है, जो एपिसोड नंबर 6 देख चुका है उसको सब पता होगा, ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस O, ये फॉर्मूला था। सबसे आसान तरीके से, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये, है ना। सबसे पहले ये एपिसोड नंबर 6 देखो, फिर भी एक रिवीजन करवा देता हूं, तो रिवीजन देख लो समझ में आ जाएगा। पापा बैंक जा चुके थे, डैड हैड गॉन टू द बैंक, डैड हैड गॉन टू द बैंक। डैड क्या है, सब्जेक्ट है, हैड पहले से ही है, V3 क्या है, V3 होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और इसका देखो गो वेंट गॉन, ये ऐसा होता है V1 V2 V3। तो इस स्पेशल से मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हूं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से आप देख लो लिस्ट ऑफ वर्ब्स, उसी में होगा आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स और लिस्ट ऑफ वर्ब्स पूरा देख लो, उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, पहले से वीडियो बना चुका हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना है, तो एपिसोड नंबर 6 देखने के बाद से ये सेंटेंस कोई भी इंसान बना सकता था, ठीक है। जैसे कि एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं खाना खा चुका था, ये कल की बात है, मैं खाना खा चुका था, है ना, मैं खाना खा चुका था, तो क्या बोलोगे, आई सब्जेक्ट हैड, आई हैड ईटन द फूड, आई हैड ईटन द फूड, मतलब मैं खाना खा चुका था। इस तरीके से हमारा सेंटेंस सबसे आसान तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं एपिसोड नंबर 7, जिसके लिए मैं आज वीडियो बनाऊंगा। एपिसोड नंबर 7, एपिसोड 07। तो ये जो एपिसोड 7 होगा, इस तरीके सेंटेंस हम जो बनाएंगे वो सेंटेंस, अभी हमने क्या क्या सीख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी एपिसोड नंबर 6 में क्या सीखा था, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एपिसोड नंबर 7 सिंपल सी बात है, हमने क्या क्या सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो फाइनली हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो ये बहुत आसान है, इसको हम एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे, देख लो ध्यान से। सबसे पहले हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूला इसका ये बहुत आसान है, सब्जेक्ट। तो पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स है, जो न्यू व्यूअर्स है, एपिसोड नंबर 7 को देखने की गलती मत करना, सबसे पहले एपिसोड नंबर 1 को देखो, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तब जाके आप 7 देखना। और जो ओल्ड गाइज है, जो पहले से ही देख चुके हैं 6 एपिसोड, तो वेलकम है, आप लोग एंजॉय कीजिए एपिसोड नंबर 7 को भी। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स है, जो न्यू पीपल है, वो सबसे पहले 1 से स्टार्ट कीजिए, आपको सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कैसा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से हम लिखते हैं विल, विल क्यों, फ्यूचर को इंडिकेट करता है, फिर हैव प्लस V3 प्लस O, हैव क्यों, काम हो चुका है, V3 मतलब किसी भी काम को खत्म कर चुका है, वो V3 डिनोट करता है, और इस V3 को सपोर्ट करने के लिए हैव आता है, और ये हैव के साथ विल क्यों आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में है। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से हमारे बनेंगे, एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, एग्जांपल देखो। देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको सेंटेंस क्रिएट करने के लिए आ रहा है, क्रिएट कर पा रहे हो, आप सेंटेंस को बना पा रहे हो, तो ये फॉर्मूले कोई यूज नहीं है, मगर स्टार्टिंग में बेसिक लेवल से सीखने के लिए आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। देखो सेंटेंस कैसे, सेंटेंस हमारा फर्स्ट देख लो, जैसे कि मैं
खाना खा चुका होऊंगा, मैं खाना खा चुका होऊंगा। तो सिंपल सी बात है, मान लो आपको 5 बजे पिकनिक पे जाना है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, तो आपका दोस्त आपसे पूछता है कि 5 बजे तक क्या तू खाना खा लेगा, मतलब आने वाले 5 बजे, तो आप क्या बोलोगे? यस, मैं खाना खा चुका होऊंगा तब तक, 5 बजे तुम टेंशन मत लो, मैं पार्टी में आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खाना खा चुका होऊंगा, समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, घर से भी आपको खाना खा के जाना है और पार्टी में भी खाना है, तो आप क्या बोलोगे? मैं खाना खा चुका होऊंगा। तो सिंपल सी बात है, खाना खाने का काम खत्म हो चुका होगा, मगर कब? फ्यूचर में, मतलब आने वाले कल में। एक और सेंटेंस देख लो, अभी समझ जाओगे आप लोग। अभी मान लो अभी 5 बज रहे हैं, घड़ी में आपके अभी 5 बज रहे हैं मान लो, तो आप क्या बोलते हो? मम्मी 7 बजे चाय बना चुकी होंगी। तो आपने क्या बोला? अभी अभी 5 बज रहे हैं, तो आपने गेस किया कि आपने अनुमान लगाया कि अगले 2 घंटे बाद मम्मी चाय बना चुकी होंगी, मतलब मम्मी चाय बना चुकी, मतलब फिनिश कर चुकी है, चाय बना चुकी है, मगर कब? आने वाले टाइम में, मतलब फ्यूचर में। अभी 5 बज रहे ना हमारे पास, तो 2 घंटे के बाद मम्मी चाय बना चुकी होंगी। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सेंटेंस बोलने हैं जो आने वाले टाइम में हो चुका होगा, खत्म काम हो चुका होगा, तो उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का यूज करके, इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। देखो किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सभी को पता है, जो कंटिन्यू देख रहा है ये एपिसोड उसको पता है सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। आई के बाद से हम क्या यूज करेंगे? विल हैव, सेम टू सेम पूरा, आई विल हैव। उसके बाद से V3 क्या वर्ब होता, क्या है वर्ब होता? है काम। काम मतलब यहाँ खाना खाना। खाना खाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट, ईट बोलते हैं। ये तो V1 है, तो V3 क्या होता है? ईटन। इसका सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं, आप लोग जाके वहां देख लो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब क्या होता है पता चल जाएगा, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, और उसके बाद से लिस्ट ऑफ वर्ब्स पूरे प्लेलिस्ट में है, वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो आप वहां जाके सबसे पहले देख लो। तो आई विल हैव ईटन फूड, खाना खा चुका होऊंगा। कब? मैं खाना खा चुका हूं, बस हो गया। तो सिंपल सी बात है, मैं खाना खा चुका होऊंगा, तो इसका कैसे बन गया? आई विल हैव ईटन फूड। वेरी इजी, बहुत आसान है, आप भी बना सकते हो। चलो ये बना के ट्राई करो। सब्जेक्ट क्या है? सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। तो मम्मी 7 बजे चाय बना चुकी होंगी, चाय कौन बना चुका होगा? मम्मी। चाय बनाने का काम कौन कर रहा है? मम्मी। तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट हो गया मॉम। मॉम जैसे सब्जेक्ट हो गया, ये सेम टू सेम लिख लो बिल्कुल, मॉम विल हैव V3। V3 मतलब कोई भी काम, इसमें मम्मी कौन सा काम कर रही है? चाय बनाने का काम कर रही है, बनाना। तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मेक। मेक का V3 क्या होता है? थर्ड फॉर्म मेड होता है, मेड। हमको V3 लिखना है, V3 क्यों? क्योंकि काम जो भी हो चुका है उसको डिनोट करने के लिए हम V3 का इस्तेमाल करते हैं। V3 यह बताता है कि सेंटेंस में काम हो चुका है। तो मॉम विल हैव मेड टी, चाय बना चुकी होंगी। कब? 7 बजे, at 7 PM। देखो इस तरीके से हमारा एकदम आसान तरीके से हमारे सेंटेंस क्रिएट हो चुके हैं। तो आप इसको अच्छे से लिख लो, फिर इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे एग्जांपल पड़ेगा। इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप लोग अपने फोन में, या फिर इसके लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे, आई विश। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल्स और देखते हैं हम। एग्जांपल ये आपके 3 अभी एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद से आपको होमवर्क दे दूंगा। 1, 2, 3 ये सेंटेंसेस मैं बना के दिखाऊंगा आपको बहुत आसान तरीके से। पापा जॉब पर, मान लो पापा जॉब करते हैं आपके, पापा जॉब पे जा चुके होंगे। पापा जॉब पे जा चुके होंगे मतलब काम पे जा चुके होंगे। अगर देखो एक और तरीका बता रहा हूं, अगर किसी को ये लिखी हुई हिंदी नहीं समझती है ना, तो जो मैं बोलता हूं ना वो आपके नोटबुक में लिख लिया करो,
अगर आपको ये राइटिंग नहीं समझ रहे तो आप मेरा बोला हुआ लिख सकते हो सीधा। अगर किसी किसी को नहीं समझ में आती है, मान लो तो पापा जॉब पे जा चुके होंगे, क्यों, काम हो चुका होगा, है ना। पुलिस चोर को पकड़ चुकी होंगी, है ना। मेरा कुत्ता खाना खा चुका होगा, मेरा कुत्ता खाना खा चुका होगा। तो इसमें एक चीज कॉमन है कि काम कोई भी हो चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, मतलब कोई भी काम आपका खत्म हो चुका होगा। कब, मगर आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में आपका काम खत्म हो चुका होगा। तो चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। जॉब पे जा चुके होंगे, कौन जा चुका होगा, पापा, तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट हो गए डैड, है ना। ये कोई नया नहीं सिखा रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये खोजना कोई नई बात नहीं है, सभी को पता होगा। तो सीधा हम सेंटेंस बनाते हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा जो ओल्ड गाइज हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। डैड विल हैव क्या कर चुके होंगे, जा चुके होंगे, जाने को गो का V3 होता है, गॉन। डैड विल हैव गॉन कहां, जॉब पे, पापा जॉब पे जा चुके होंगे। डैड विल हैव गॉन टू द जॉब, डैड विल हैव गॉन टू द जॉब, जॉब के लिए या फिर जॉब पे जा चुके होंगे, ठीक है। डैड विल हैव गॉन टू द जॉब। नेक्स्ट देखो, पुलिस चोर को पकड़ चुकी होंगी, यहां कौन पकड़ने का काम कौन कर रहा है, पुलिस, तो पुलिस हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। पुलिस विल हैव पकड़ने को क्या बोलते हैं, कैच, कैच का V3 क्या होता है, कॉट। ये सभी की लिस्ट आपको मैं डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, द लिस्ट ऑफ वर्ब्स आपको मिल जाएगी, कैच का कॉट कैसे बन गया, ये कोई मैजिक नहीं है, V1, V2, V3 ही सब कुछ है, पूरे इंग्लिश में V1, V2, V3 ही सब कुछ है, पूरे सेंटेंस इसी से क्रिएट होते हैं, बनते हैं। पुलिस विल हैव कॉट द थीफ, पुलिस चोर को पकड़ चुकी होंगी, पुलिस विल हैव कॉट द थीफ, ये सेंटेंस हमारे बहुत आसान तरीके से बन गए। मेरा कुत्ता खाना खा चुका होगा, कौन खाना खा चुका होगा, मेरा कुत्ता, माय डॉग, माय डॉग सब्जेक्ट है, फिर सेम टू सेम लिख लो, विल हैव, माय डॉग विल हैव खाना खा चुका होगा, मतलब ईटन, ईट का ईटन, फूड खत्म, माय डॉग विल हैव ईटन फूड, मेरा कुत्ता खाना खा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई भी काम खत्म हो चुका है मगर आने वाले टाइम में, कोई भी काम हमने पूरा कर लिया है मगर आने वाले समय में, चाहे वो कल हो सकता है, चाहे वो परसों हो सकता है, वो कितने भी टाइम हो सकता है, मगर काम खत्म हो चुका होगा तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट, मगर कब खत्म होगा, फ्यूचर में, इसलिए हम इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मैं आप सभी को होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क आप लोग कमेंट सेक्शन में बना लीजिए, अगर आपका गलत होगा तो मैं वहां करेक्ट कर दूंगा। अरे लिखे नहीं क्या आप लोगों ने, चलो लास्ट फेज लिखे नहीं क्या आप लोगों ने, पुलिस विल हैव, स्पीड में लिखा करो आप लोग, चलो वापस लिख देता, कोई इशू नहीं है। पुलिस चोर को पकड़ चुकी होंगी, पुलिस विल हैव caught the thief, police will have caught the thief means police चोर को पकड़ चुकी होंगी। तीसरा कौन सा हमारा sentence था, तीसरा हमारा sentence था मेरा कुत्ता खाना खा चुका होगा। ये हमारा marker खत्म हो गया, black से लिख देता हूं इसका answer, my dog will have eaten food, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो इसके। पहला सेंटेंस, पापा जॉब पे जा चुके होंगे, dad will have gone to the job, चोर, पुलिस चोर को पकड़ चुकी होंगी, पुलिस will have caught the thief, मेरा कुत्ता खाना खा चुका होगा, my dog will have eaten the food। तो इस तरह के, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं
फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है ये। तो चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे आई होप। ओके, तो ये सेंटेंस है जो मैं आपको दे रहा हूं, घर पे जाके आप लोग इसको, घर पे ही होंगे आप लोग, इसको बना लो और कमेंट सेक्शन में पुट कर दो, ठीक है? अगर गलत होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सेंटेंस ये है कि मेरी छोटी बहन डांस कर चुकी होंगी, मेरी छोटी बहन डांस कर चुकी होंगी, मैंने नहीं, मैं लिखते हैं यहां, मैं अपने दोस्त को पार्टी दे चुका होऊंगा। मतलब कोई भी काम आप फ्यूचर में कर चुके होंगे उस टाइप के सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। मैं अपने दोस्त को पार्टी दे चुका होऊंगा, वो लड़की कल मेरे घर आ चुकी होंगी, हम सब नाश्ता, नाश्ता को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, हम सब ब्रेकफास्ट या फिर नाश्ता कर चुके होंगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई भी काम हो चुका होगा मगर आने वाले टाइम में, आने वाले कल में, आने वाले परसों में। तो इस तरीके से हमने एपिसोड नंबर 7 को देख लिया है, किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूप में हमने देख लिया है इसको। तो ये सभी सेंटेंसेस थे, आप बना लो कमेंट सेक्शन में, आई विल बी देयर टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, योर सेंटेंसेस आई विल करेक्ट। कमेंट सेक्शन में आपके सेंटेंस को देखकर मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 7 था। सो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। वापस से लास्ट वक्त बता देता हूं, जो जो ये सीरीज चल रहा है ना, सीरीज खत्म होने के बाद से आप सभी लोग इंग्लिश बहुत आसान तरीके से सीख जाओगे, इट्स माय गारंटी। आप अपने दुनिया के कोई भी एग्जाम ले लो, इवन फ्रॉम ग्रुप डी आरआरबी, ग्रुप डी से आईएएस यूपीएससी, ये इंग्लिश जो भी है एकदम परफेक्ट इंग्लिश है। किसी भी बुक में कहीं से भी आप इस तरह इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आप सभी को सिखा दिया है एपिसोड नंबर 7। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एपिसोड नंबर 8 में आपका हम वापस से स्वागत करेंगे। तो उसके लिए जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एक बात याद रखो, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इतने आसान है कि कोई भी, आपका छोटा भाई भी, आपकी छोटी बहन भी घर में बैठे बैठे ये सेंटेंसेस को बना सकती है। तो आप ये मत सोचो कि इस टाइप के सेंटेंसेस सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, गलत है आपकी सोच। आपका छोटा भाई जो स्कूल में पढ़ रहा है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में भी है ना, तो ये मेरे सेंटेंसेस को समझ में आ जाएगा उसको, अगर वो शुरुआत से देखेगा तो, एपिसोड नंबर 1 से देखेगा। तो आपके दोस्तों को, आपके छोटे भाई को, आपके छोटे बहन को, आपके मम्मी को, आपके पापा को, ये सभी को ये वीडियो दिखाओ, उनको सभी को समझ में आ जाएगा, वो इंजॉय करेंगे। ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, घर पे बैठ के क्या करोगे, इंग्लिश सीख लो आसान तरीके से। आपके सभी दोस्तों को ये शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालो ये वीडियोस को, आपके दोस्तों को पता चलने दो कि कोई भी सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। अब मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, तो आप अपने पूरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, आपके दोस्तों को, सभी को ये पूरे वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी ये इंग्लिश बहुत आसान तरीके से सीख सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।